नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। दीपिका पादुकोण ने खुल्लम खुला विक्रांत मिश्री को किया किस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोनों का खास वीडियो। दीपिका पादुकोण इन दिनों मेघना गुलजार की फिल्म छपाक की शूटिंग विक्रांत मिश्री के साथ कर रही है। शूटिंग के दौरान की फोटो आए दिन फैंस के सामने आती है। अब इसी बीच दोनों की किस करते एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में विक्रांत और दीपिका एक बिल्डिंग की छत पर रोमांटिक सीन शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फैंस देख सकते हैं कि पहले विक्रांत दीपिका को गले लगाते हैं, इसके बाद उनका किस सीन शूट किया जाता है। ये वीडियो काफी दूर का है, इस कारण से दोनों का फेस एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। वही दूसरे वीडियो में विक्रांत और दीपिका के इस सीन को दूसरे एंगल से जूम करके लिया गया है, जबकि इस सीन के शूटिंग के वक्त आसपास में काफी भीड़ थी। दीपिका पादुकोण पर भड़की कंगना रनौत की बहन रंगोली, कहा करण सेना मत बनो। कंगना रनौत और राजकुमार राव की आने वाली फिल्म मेंटल है क्या के टाइम्स और विवाद के बीच कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने बॉलीवुड मस्तान दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा है। फिल्म टाइटल को लेकर इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी और ट्विटर यूजर्स के बाद दीपिका की TLLL ने आपे दर्ज कराई थी। फाउंडेशन ने ट्वीट में लिखा था कि मानसिक बीमारी से लाखों लोग पीड़ित है, ऐसे में इसे लेकर सेंसिटिव और जिम्मेदार होने की जरूरत है। इसके जवाब में रंगोली चंदेल ने सीधा दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा। खुद को कंगना की प्रवक्ता और मैनेजर बताने वाली रंगोली ने लिखा है कि वह करनी सेना बनकर नतीजे पर ना पहुंच जाए, उन्हें ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। रंगोली यही नहीं रुकी, उन्होंने दीपिका को पर्सनल लाइफ और टारगेट करते हुए लिखा। दीपिका सालों पहले डिप्रेस थी जब उनका ब्रेकअप हुआ था, लेकिन अब वह शादीशुदा जिंदगी में खुश है। वही कंगना झांसी की रानी के बाद गर्व से मेंटल टाइटल लेकर चल रही है। सोचा नहीं था भंसाली राजमौली की फिल्म का हिस्सा बनूंगी। कलंक स्टार आलिया भट्ट जल्दी संजय लीला भंसाली के इंशा अल्लाह और SS राजमौली की RRR में नजर आने वाली है। दोनों फिल्म को लेकर उत्साहित आलिया ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह भंसाली राजमौली जैसे अव्वल फिल्मकारों की फिल्म में हिस्सा बनेगी। आलिया ने कहा, मेरे लिए इन दोनों निर्देशकों के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।